For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्क में मर जावा में यूँ तो अभी थोड़ा ही टाइम पहले शुरू हुआ है और देखिए ना ये शो देखते ही देखते कितने आ गया है इतनी ऊपर। जहाँ दर्शक इसे करने लग गए हैं खूब ज़्यादा पसंद, वहीं ये शो टीआरपी की रेस में भी अपनी ऊपर आ चुका है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं बताने से क्या हुआ पिछले एपिसोड में, जिसमें आपने देखा दीप जा रहा होता है आरोही के फ़ोन से निकाली वीडियो को पता लगाने। कितने में आरोही से रोकने की कोशिश करती है तो वो देता है उसे धक्का, जिसके बाद वो गिर जाती है नीचे और वो उसे लेकर पहुंचता है हॉस्पिटल, जहां वो डॉक्टर की मदद से वो नकली सोनोग्राफी दिखाती है और उसे संतुष्ट कर देती है कि वो वाकई में तारा प्रेग्नेंट है। वहीं अपने बच्चे की धड़कन सुन दीप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे कुछ भी और नहीं दिखाई दे रहा होता। इतने में आरोही उसे बोलती है कि वो सब भुला कर अपने बच्चे और उस पर ध्यान दे, जिसके बाद वो भी पिघल जाता है। अब जहाँ आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि शो में एक बार फिर से कहानी घूमने वाली है और किसके पास में जाती है इस बार की कहानी, देखना होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि अब हो जाएगा आरोही का किडनैप और उसके पीछे होगा विराट का ही हाथ ताकि वो उसके बच्चे को मार सके। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।